राइट, सो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, इसमें हम लोग देख रहे थे इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, e by 2 raised to the power x upon log e by 2, जैसे मैंने लिखा log of e minus log of 2, log a by b is what, log a minus log b, तो log of e कितना आ गया, 1 आ गया, और log of 2 तो log of 2 ही रहेगा. सो आई वुड लीव दिस एज द फाइनल आंसर, नॉट टू फॉरगेट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ठीक है, सो आई लीव दिस एज द फाइनल आंसर. फाइन, वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू बी डन, द 13th पार्ट करके देखो जरा, बताओ क्या आंसर आ रहा है. 13th पार्ट, ओके, सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू डील विद. सो इसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखना चाहूंगा, राइट, यूजिंग द बेसिक ऑफ अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक्स. एक्स की पावर 1/3 है, राइट, एक्स की पावर रादर -1/3 है, और ये क्यूब एक्स है, क्यूब एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/3 होता है. नेक्स्ट टर्म अगर मैं देखता हूँ तो ये दिखता है एक्स की पावर 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1/3, और नेक्स्ट टर्म अगर मैं देखूँ तो 2 अपॉन एक्स की पावर 1/3. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था बिफोर यू डिफरेंशिएट, बिफोर यू इंटीग्रेट. तो 1/3 ऊपर जाके -1/3 होगा, तो पहला टर्म आपका कितना आएगा, एक्स की पावर -2/3 आएगा. सेकेंड टर्म अगर आप देख रहे हो तो हाफ -1/3 आएगा, 1/2 -1/3 आएगा, द पावर which would be 6, 3 minus 2, यानी कि x की पावर 1/6. It is what? x raised to the power 1/6. And this one is twice into x raised to the power -1/3. कोई भी constant numerator में है, denominator में है, integration में है या differentiation में है, you know it doesn't affect the function. वो as it is as a constant ही treat होता रहता है, उसमें कुछ भी कोई role नहीं होता उसका integration differentiation में. कितना हो जाएगा x की पावर n +1, तो इसमें +1 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1/3 आएगा. अपॉन भी सेम होता है 1/3, तो 1/3 का 3 मैं यहाँ रखूंगा, 1 नीचे ले जाऊँ, क्या फर्क पड़ रहा है. अगेन द सेम थिंग, +1 करने पे 7/6 आएगा, अपॉन 7/6 आएगा, ठीक है. और यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये 2 एज इट इज एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और यहाँ +1 करने पे क्या मिलेगा मुझे, पार 2/3 मिलेगी. एक 2 मेरे पास ऑलरेडी है और मैं 2/3 करूंगा, तो 2 एंड this would be multiplied to 3. Not to forget the constant of integration c. Thoda simplify aap aur chaho to kar sakte ho. 3x raised to the power 1/3 plus 6/7x raised to the power 7/6 plus ye 2 aur 2 cancel karo, 3 times x raised to the power 2/3 plus c. That can be treated as the final answer. Okay? So I hope you understand it and you will be able to deal with such questions in if you face any further. Okay. ये दो क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, दो क्वेश्चन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक से लेके देखते हैं, एंड लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग डील विद दिस. सो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + cos x, इसका क्या करा जाए. देखो, कोशिश ये करनी है कि हमेशा कुछ ऐसे फॉर्म में लेके आना है विच इज इंटीग्रेबल, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब साइन स्क्वायर एक्स का तो कुछ पता नहीं यार, है ना, बड़ी परेशानी हो जाएगी. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos² x तो लिख सकते हैं, राइट. नीचे मेरे पास 1 + cos x है, तो ये कुछ अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि 1 - cos² x सीम्स टू मी लाइक a² - b², व्हाट इज दैट, a - b × a + b. ए प्लस बी मेरे पास डिनोमिनेटर में अवेलेबल दिख रहा है, राइट, दैट मीन्स I'll be left only with a - b. a - b, that means 1 - cos x with respect to dx. 1 को आपने इंटीग्रेट करा, x आ गया, cos x, अच्छा, किसको डिफरेंशिएट करने पे cos x आता था, sin x, यानी cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, sin x. So what should be the answer? The answer should be x - sin x. ठीक है, that should be the final answer of this question. यहां भी जरा सोचा जाए, अच्छा sec² x cos x² x, ये थोड़ी परेशानी हो रही है. अब ये ट्रिग्नोमेट्री की यूसेज है जो कि आपको समझना है. अगर मैं कभी भी सोचता हूं कि tan² x, तो अच्छा tan² x तो ध्यान नहीं आता, है ना, tan² x तो ध्यान नहीं आता. लेकिन अगर मैं सोचता हूं
sec square x with respect to dx, इंटीग्रेशन। तो यहां कुछ बात समझ में आती है दैट अगर मैं इसको कभी भी इंटीग्रेट करता हूँ, राइट, मैं अगर tan x को डिफरेंशिएट करता हूँ sec square x आता है, इसका मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, मेरे पास tan x होगा। तो ये तो बहुत इजी है, राइट, sec square x का क्या हो जाएगा, sec square x का मेरे पास हो जाएगा tan x, ठीक है, और cos square x का क्या हो जाएगा, माइनस cot x। ये तो बड़ा आसान निकला, और साथ में प्लस सी करना मत भूलना। बट इमेजिन करो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन होता जहां तुम्हें इंटीग्रेट करना होता tan square x प्लस cot square x, तो इसका क्या करते, इसका क्या करते हैं हम लोग। यहाँ कहीं ना कहीं हमें समझ में आता, अच्छा tan square x, कोई भी ऐसा फंक्शन याद नहीं आता जिसको हम यू नो डिफरेंशिएट करें तो मुझे tan square x मिल जाए, ठीक है। अगर मैं sec x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे sec x tan x मिलेगा, है ना, tan x को करूंगा तो sec square x मिलेगा, तो ऐसा तो मिल नहीं रहा। तो क्या करें, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। ट्रिग्नोमेट्री क्या, ये कुछ याद आ रही है तुम्हें, 1 प्लस tan square x इज इक्वल टू sec square x, ये तो जानते हो ना। तो tan square x को मैं क्या लिख लूंगा, sec square x minus 1। Similarly, cot square x को क्या लिखना चाहूंगा, cosec square x minus 1। तो अब ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा जिसको आप डील करना चाहते हो, आपको इजिली डील हो सकता है ये, राइट। ये tan square x को क्या लिखोगे आप, दिस वुड बी sec square x minus 1, और cot square x को क्या लिखोगे बच्चों, cosec square x minus 1, ठीक है। And then you can easily integrate it. Sec square x का आपको पता ही है tan x है, और cosec square x का आपको पता है minus cot x है, साथ में minus 2 आ गया, तो minus 2 की इंडिकेशन क्या हो जाएगी, minus 2x plus c। So I hope आपको ये बातें ध्यान रहेंगी। Let me know if there is any problem till this point.